देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। खबर गाजीपुर से। गाजीपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में पिछले 6 दिनों से छात्र संघ अध्यक्ष सहित कॉलेज के छात्रों ने अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हुए, जिसमें उनका कहना है कि कॉलेज मनमानी तरीके से फीस वसूल कर रहा है। बिल्डिंग में बरसात के मौसम में पानी टपकता है, जिसके ऊपर कॉलेज प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कॉलेज के प्राचार्य समय से कॉलेज में नहीं आते। साथ ही साथ उनका कहना है, जिस तरीके से ये लोग फीस बढ़ोतरी के नाम पर मनमाने तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं, उसकी रसीद नहीं दे रहे, उसके खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन पिछले 6 दिनों से चल रहा है। नेताओं का कहना है कि अगर इस तरीके से मनमानी का काम करते रहे तो किसी भी तरीके की कोई भी छात्रों के साथ अनहोनी होती है तो उसकी सभी जिम्मेदारी प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। इस आंदोलन में छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय सहित तमाम छात्र नेता उपस्थित रहे। अश्विनी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम इस समय है गाजीपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में, जो कि पीजी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ करीब 5 से 6 दिन से छात्र संघ का आंदोलन चल रहा है, जो कि छात्रों के साथ छात्र नेता भी उनके साथ है। और इनकी मांगे क्या है कि आप ये जानते हैं इन्हीं से खुद के, इनकी मांगे कि किस मांग को लेकर के काफ़ी पिछले 6 दिनों से अपने आंदोलन में बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि छात्र संघ को बहाल किया जाए, क्योंकि बिना ना तो सरकार की कोई ऐसी नोटिस आई है, लेकिन आदेश आया है, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन का चुनाव ना हो, लेकिन फिर भी कॉलेज प्रशासन इलावली आनाकानी कर रहा है चुनाव कराने। अच्छा, ये आपका चुनाव छात्र संघ का कब से बंद है? ये 2021 से बंद है। 2021 से लगभग 2 साल, 3 साल हो गया है। 2020 सही बंद है, 2021-22 ये 23 में चला, 4th साल होगा, यानी नहीं हुआ। ये बिना आनाकानी करके केवल देरी करें, इसलिए कि छात्र संघ का चुनाव होता है तो बच्चे अपनी समस्याओं को मजबूती से रख लेते हैं। छात्र संघ का चुनाव नहीं होने से, छात्र संघ नहीं होने से, प्राधिकारी नहीं चुने जाने से ये लोग अवैध वसूली कर रहे हैं कॉलेज में। अवैध वसूली का अड्डा बना लिए हैं, फीस वृद्धि कर दिए हैं, मनमाने तरीके से प्राचार्य जी समय से आते नहीं हैं, और तमाम समस्याएं होती हैं। छात्रों का समस्या का निवारण करने वाला कोई नहीं रहता है। जी, हम लोगों का मांग है कॉलेज प्रशासन से, जो कि उनको पूरा करना होगा। जैसे कि TCCC का जो आलम कर दिए हैं उसका 5 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो 60 रुपये कर दिए हैं। कम करने के लिए हम लोग मांग किए हैं। समस्या के नजदीक छात्र हैं पीजी कॉलेज में, हम लोग 20-21 अभी तक हम लोग का कोई रिजल्ट अब नहीं आया, ना कोई पेपर रुपये पेपर हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया। हम लोग क्या फीस पूरी जमा कर ली गई है, हम लोग क्या करें, सुना नहीं, ना हमारा प्रिंसिपल सुन रहा है, ना टीचर सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है कॉलेज का। पहले 2 दिन में हम लोग की मांग नहीं पूरी की गई, हम लोग अब हमारा बच्चे को बात देंगे, किसी भी बच्चे की तबीयत बिगड़ेगी उसके सारे जिम्मेदार यहाँ का महाविद्यालय प्रशासन होगी। चलिए देखिए, जैसे छात्रों का कहना है कि इनके लगभग 6 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, और कॉलेज का कोई भी प्रशासन, कॉलेज प्रशासन हो या कॉलेज का प्रचार हो, इनसे मिलने के लिए नहीं, इनकी समस्याओं को जानने के लिए नहीं। अगर इनका कहना है कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो आगे के लिए भूख हड़ताल और अमरा लंसन के लिए बाध्य हो गए, जिनका जिनकी सारी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। आप गाजीपुर की हर छोटी बड़ी खबरों देखने के लिए जुड़े रहे हैं सुनील श्रीवास्तव, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ गाजीपुर।